गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हैप्पी न्यू ईयर। टुडे आई विल टीच यू यूनिट 7 वीट एंड विजडम। ओके, अकबर, बिरबल एंड वॉशरमैन। अकबर, बिरबल एंड वॉशरमैन। Now, let's start. This is Akbar, Birbal, Washerman, Denu. Denu, Washerman, Denu. Kusum, who is Kusum? Kusum, the Washerman's wife. और इसमें कौन है? Courtiers, messengers, other town carrier. Scene 1. ओके, इट इज़ ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। एम्परर अकबर एंड बिरबल आर स्टैंडिंग इन द पैलेस बालकनी। ठंडे का मौसम था और अकबर और बिरबल अपने बालकनी में बैठे हुए हैं। द रिवर नियर बे इज़ विजिबल फ्रॉम द बालकनी। एक नदी जो उनके बालकनी से दिखाई दे रही थी। अकबर, बिरबल, आई थिंक दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अकबर बोल रहा है बिरबल से कि मैं सोचता हूँ कि इस नदी का जो वाटर है बहुत ठंडा होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड। ओके, वेरी कोल्ड। बिरबल, यस योर मेजेस्टी, इट इज स्टीम इंडीड कोल्ड। यस, सही में ये बहुत ठंडा है। अकबर, वाट इफ ए मैन स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट। क्या कोई आदमी पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? विल ही डाई, वह मर जाएगा। बिरबल, सर्टेनली योर मेजेस्टी, नो वन कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। मैंने ठंडे पानी में कोई लंबे समय तक इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता है, बिरबल बताया। द एम्परर थिंक्स फॉर ए वाइल एंड whispers something in Birbal's ear. इस तरह से एम्परर कुछ सोचा और बिरबल के कान में थोड़ा सा कुछ स्लोली धीरे से कुछ फुसफुसाया, बोला बहुत, टॉक स्लोली। ओके, बिरबल इज सरप्राइज एट द एम्परर्स वर्ड्स। बिरबल उनकी बातों को सुनकर बहुत सरप्राइज हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं। सीन 2, द नेक्स्ट डे एट नून इन द मार्केट पैलेस प्लेस ए टाउन कैरियर बीट्स हिज ड्रम लाउडली एंड पीपुल गैदर अराउंड हिम लिविंग देयर वर्क। नेक्स्ट डे क्या हुआ? एट नून इन द मार्केट पैलेस प्लेस है जहाँ पर टाउन कैरियर है। टाउन कैरियर मीन्स ए पर्सन हु मेक्स अनाउंसमेंट। एक पर्सन जो अनाउंस करता है। बीट्स हिट्स ड्रम, अपनी ड्रम को बजाते हुए लाउडली ऊँची आवाज़ में। एंड पीपुल गैदर अराउंड हिज लिविंग देयर वर्क, लोग अपना काम छोड़ के उसकी आवाज़ को सुन के सर एक जगह इकट्ठे होते हैं। ओके, टाउन है, टाउन क्रेयर लाउडली बहुत तेज़ी से चिल्ला के बोलता है, लिसन लिसन, बाई द ऑर्डर ऑफ द एम्परर एनी वन हु स्टैंड्स इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द एम्परर्स पैलेस ऑल थ्रू द नाइट विल बी रिवॉर्डेड। उसने कहा सुनो सुनो, ये एम्परर का ऑर्डर है, कोई भी व्यक्ति अगर इस ठंडे पानी में पूरी रात एम्परर के पैलेस के सामने अगर वहाँ जो नदी है उसमें खड़ा रहता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। लिसन लिसन, सुनो सुनो। वेन द टाउन कैरियर लीव्स पीपुल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट। जब वो अपनी बात बोल के चला गया तो लोग आपस में खड़े होकर ग्रुप में डिस्कस करने लगे, उस अनाउंसमेंट के बारे में बात करने लगे। नो बडी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज, कोई उस चैलेंज को तैयार करने के लिए तैयार नहीं था, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इन ए कॉर्नर सम वेयर ए पुअर वॉशरमैन नेम्ड देनु ऑल्सो हियर्स द अनाउंसमेंट एंड विस्पर्स इन हिज वाइफ्स ईयर। कोई उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, नहीं तैयार था उसके लिए, लेकिन एक कॉर्नर में
एक पुअर वाशरमैन, एक गरीब वाशरमैन खड़ा था, जिसका नाम क्या था बेटा? देनू. ऑल्सो हियर्स द अनाउंसमेंट. उसने उसके अनाउंसमेंट को सुना एंड विस्पर इन हिज वाइफ, अपने वाइफ के कान में उसने भी धीरे से कुछ टॉक किया, बोला देनू कुसुम दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी. वो देनू बोलता है अपने कुसुम को, है ना, वाशरमैन की वाइफ है, उससे बोलता है दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. इफ़ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर आई विल गेट द बिग रिवॉर्ड एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल. ओके, अगर मैं इसमें नदी में खड़ा होकर अगर सफल हो जाता हूँ, सफलता प्राप्त कर लेता हूँ, तो आई विल गेट बिग रिवॉर्ड, मुझे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, है पुरस्कार मिलेगा, और हम लोग की लाइफ अच्छे से बीतेगी बेटा, बताया वो. कुसुम नो 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 माई डियर हस्बैंड डू नॉट एवर थिंक ऑफ टॉकिंग सच ए रिस्क. कुसुम बोली नो नहीं नहीं, हमें इस तरह की बातें नहीं सोचना है, नहीं इस तरह का रिस्क लेना है. देनू डोंट वरी कुसुम नथिंग विल हैपन टू मी, परेशान मत हो कुसुम, मेरे साथ कुछ ऐसा घटना नहीं घटेगा, कुछ नहीं होगा मुझे. आफ्टर ऑल आई वॉश क्लोज इन कोल्ड वाटर एवरी डे. पर वैसे तो हम लोग हमेशा ठंडे पानी में डेली कपड़ा धोते हैं. ओके, सीन थ्री. द सेम नाइट द वॉशरमैन स्टैंड इन द रिवर वाइल द onlookers watch some of them even stop him front risking his life. समझे, इन सेम नाइट, उसी रात में क्या हुआ, वाशरमैन क्या हुआ, पानी में जाने के लिए वो जब जाता है तो वाइल द onlookers watch, जो onlookers मतलब पीपुल स्टैंडिंग देयर, onlookers मीन्स पीपुल स्टैंडिंग देयर, जो लोग वहाँ पे और खड़े थे उन्होंने उसको रोका. सम ऑफ देम इवन स्टॉप हिम फ्रॉम रिस्किंग हिज लाइफ, ऐसा मत करो, तुम्हारे लाइफ में ऐसा बड़ा रिस्क मत लो. देन सर्वर्स बैडली बट स्टैंड्स इन द कोल्ड रिवर ऑल थ्रू नाइट. लेकिन धेनू ने उसको नहीं वो बात सुना और वो पूरी रात वो पानी में खड़ा रहा बेटा. नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग वेन द रिटर्न्स अलाइव पीपुल कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट. जब वो पूरी रात पानी में खड़ा रह गया तो उसको दूसरे दिन सुबह में सब लोग उसको बहुत बधाई दिए, कॉन्ग्रेचुलेट दिए, और उसके वंडरफुल अचीवमेंट, उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया बेटा, पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रहा. कुसुम हैप्पली ओ आई एम सो हैप्पी टू सी यू, थैंक गॉड यू आर ऑल राइट, आई वॉज सो वरीड, आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी एंड होल नाइट. कुसुम बोली मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें इस तरह से देख के, मैं सोच भगवान को उसने बहुत धन्यवाद दिया, यू आर ऑल राइट, तुम ठीक ठाक हो, आई वाज ए वरी, मैं बहुत चिंतित थी बेटा, आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी फॉर होल नाइट. वो बोली कुसुम अपने धेनू से कि हम पूरी रात तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे थे भगवान से. सीन फोर, द नेक्स्ट डे ऑफ अकबर्स कोर्ट, द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन एंड बिरबल इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम. नेक्स्ट डे क्या हुआ, अकबर के कोर्ट में एम्परर जो था वो अपने सिंहासन पे कुर्सी पे बैठा हुआ था, हैं किंग्स चेयर, हैं किंग्स थ्रोन मीन्स किंग्स चेयर, एंड बिरबल इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, और जो बिरबल उसके बगल में खड़ा था. द कोर्टियर्स एंड गार्ड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द कोर्ट, वो दोनों भी वहाँ पर प्रेजेंट थे. देनू एंड हिज फैमिली एंटर द रूम, इंटर द कोर्ट. देनू और उसके परिवार वाले लोग उसके कोर्ट के अंदर इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं. दे बो बिफोर द किंग. देनू ग्रीटिंग्स योर मेजेस्टी. अकबर कम यू आर इंडीड ए ब्रेव यंग मैन, यू सर्टेनली डिजर्व द रिवॉर्ड. अकबर बोला आ वाह, तुम बहुत अच्छा, तुमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया यंग मैन, तुम पुरस्कार के लिए डिजर्व करते हो. ओके, द एम्परर ऑर्डर्स ए मेट टू ब्रिंग हिज रिवॉर्ड. एम्परर ऑर्डर देता है कि उसके लिए जो पुरस्कार ले आओ. द मेड क्विकली ब्रिंग्स ए सिल्वर ट्रे लेडन विथ गोल्ड कॉइन्स. जो था वो जल्दी से जाता है, इस सिल्वर का चांदी का ट्रे लाता है जिसमें क्या भरा रहता है बेटा, गोल्ड कॉइन्स. उसमें क्या लेडन रहता है, गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के रहते हैं, है ना, लेडन मीन्स फील्ड. एस अकबर is about to give the reward to Denu, a courtier interrupts. जैसे ही अकबर उसको देनू को रिवॉर्ड देने के लिए आता है आगे, उसको कोर्टियर जो तुरंत उसको उसमें अवरोध उत्पन्न करता है,
है ना बेटा, बोलता है कि नहीं रुको अभी नहीं। देन हुए से कोर्टियर इंटरप्ट्स, जैसे ही अकबर क्या करता है धेनु को रिवार्ड देने के लिए आता है, तो वैसे ही उसमें वो कोर्टियर उस पर ब्रेक लगा देता है कि नहीं अभी थोड़ा रुकी है। कोर्टियर, योर मेजेस्टी व्हाट आर यू डूइंग, कहता है आप ये क्या कर रहे हैं। कोर्टियर बोलता है अकबर से, दिस मैन डज नॉट डिज़र्व द रिवॉर्ड, वो बोलता है कि ये मैन ये रिवॉर्ड के लिए डिज़र्व नहीं करता है, इसको पुरस्कार नहीं देना चाहिए। द एम्परर एंड अदर क्वार्टर्स आर सरप्राइज एंड डिमांड ऑन एक्सप्लेनेशन। Your Majesty, what are you doing? This man does not deserve the award. The Emperor and the other courtiers, जो Emperor था और दूसरे courtiers थे, वो लोग बहुत surprised हो गए कि ये demand on explanation, ये मतलब क्या ये बोल रहा है, हैं surprised हुए and demand and explanation, और explanation बोले कि explanation दो, क्या बात कहना चाह रहे हो। Courtier, Your Majesty, he completed the challenging with help as the lights from your palace kept the washerman warm all through the night. उसने कहा कि जो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया किसकी सहायता से, रात भर आपके महल में जो लाइट जल रहा था जिससे पानी गर्म रहा पूरी रात, उसी की सहायता से पानी गर्म रहा तो उसने वो खड़ा रह सका, वो उसका एक्सप्लेन करने लगा। Courtier, Your Majesty, he completed the challenge with help as the light from your palace, उसके महल में जो लाइट जल रहा था उसकी सहायता से, बोल रहा कि उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, kept the washerman warm all through the night, जिस लाइट से वो पानी नदी का गर्म रहा, इसीलिए वो बोल रहा है कि इसने ये उसकी सहायता से उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, कर तैयार इसका हेल्प मिला उसको। अकबर थॉटफुली सोचने लगा, यू हैव ए पॉइंट, यस तुम पॉइंट की बात बोल रहे हो, वेल इन दैट केस देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवार्ड, यस तो इसके लिए तो उसके पास अब कोई रिवार्ड देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं बनती है, सही बात है। इसने लाइट का हेल्प ले लिया, पानी में खड़ा रहा, उसकी लाइट से पानी गर्म रहा तो इसलिए वो उसमें रहा, इसलिए वो रिवार्ड के लिए उसने नहीं उसको दिया जा सकता है। पुअर देनु goes away sadly with the family, Birbal is unhappy about that, बेचारा जो washerman था ऐसे ही उदास होकर चला गया, और जो था बीरबल भी इस रिश्ते से खुश नहीं था, इसके इस बातों से खुश नहीं था। सिंस फाइव क्या है, द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल हिज कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट बीरबल। नेक्स्ट डे क्या हुआ, अकबर के कोर्ट में सभी लोग प्रेजेंट थे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बीरबल को छोड़ के। बेटा अकबर, वेयर इज़ बीरबल, अकबर पूछता है कि बीरबल कहाँ है, वाई हैज़ ही नॉट कम इन, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं, ही इज़ यूजली पंक्चुअल, वो तो हमेशा पंक्चुअल है, टाइम से आता है वो बीरबल। इन द मेन वाइल मैसेंजर अराइव्स, मैसेंजर्स उसी बीच मैसेंजर आता है, वो क्या बोलता है, योर मेजेस्टी बीरबल हैज़ सेंट ए मैसेज फॉर यू, उसने एक मैसेज भेजा है बीरबल ने आपके लिए, ही इज़ इन हिज हाउस एंड सेज ही विल बी लेट टूडे, उस वो अपने घर में है और वो लेट से आएगा। अकबर भाई, अकबर बोलता है क्यों, मैसेंजर, योर मेजेस्टी ही इज़ कुकिंग फूड एंड विल टेक लॉन्ग, वो ही इज़ कुकिंग फूड, वो भोजन बना रहा है ना बेटा, एंड विल टेक लॉन्ग, और लंबा समय लगेगा। अकबर एंग्रीली, व्हाट नॉनसेंस, आई विल पर्सनली गो एंड फाइंड आउट, वो गुस्सा आ गया, बोला क्या नॉनसेंस की बातें कर रहा है, मैं चलूँगा पर्सनली उसको देखूँगा कि क्या कर रहा है वो। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टूवर्ड्स बीरबल्स हाउस फॉलोड बाई सम कोर्टियर्स एंड गार्ड्स, तुरंत वो बीरबल के घर के पास जाता है, उसके साथ जाते हैं गार्ड और कोर्टियर्स। ओके, सीन सिक्स, एट बीरबल्स हाउस बीरबल इज सिटिंग नियर फायर ऑन द ग्राउंड, बीरबल के घर में क्या, एट बीरबल हाउस बीरबल इज सिटिंग, अब बीरबल अपने घर में कहाँ बैठा हुआ था, नियर फायर ऑन द ग्राउंड है ना, फॉर एबोव इट बैलेंस्ड ऑन ए टॉल ट्रैप्ड हिज ए कुकिंग पॉट, वो बहुत
ग्रेवाली सिटिंग नियर ए फायर, नियर फायर आग के पास बैठा हुआ था ऑन द ग्राउंड में बेटा, फॉर अबोव इट उसके ऊपर फायर के ऊपर बैलेंस्ड ऑन ए टॉल टेपेट इज ए कुकिंग पॉट। देखिए यू सो कैन इन पिक्चर, इस तरह से देखिए कैसे ये देखिए ऊपर में ये आग नीचे है यहाँ है अब कुकिंग फूड ऊपर में पका रहा है बना रहा है, इतना दूर उसको रख के बना रहा है ना। अकबर व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बीरबल ग्रीटिंग्स योर मेजेस्टी आई एम कुकिंग फूड, मैं भोजन बना रहा हूँ। अकबर बीरबल हाउ स्टूपिड यू हैव केप्ट द पॉट सो फॉर अबोव द फायर, कर तुम कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो, तुम जो पॉट रखे हो वो आग से कितना ऊंचा रखे हो। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, कैसे इतना ऊंचा में तुम्हारा ये भोजन बनेगा। हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड, कह रहे हैं अकबर कि बीरबल हाउ स्टूपिड यू हैव केप्ट द पॉट सो फॉर अबोव द फायर, फायर के इतना ऊंचा तुम रख खाना बना रहे हो। देखिए कैसे यहाँ पे फायर है पॉट इसका कहाँ इतना ऊंचा। ओके हाउ कैन दिस फायर कुक्स योर फूड, कैसे ये तुम्हारा भोजन तैयार बने होगा, कैसे बन सकता है। बीरबल इफ दिस फायर कैनॉट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, बीरबल कहता है यदि ये भोजन इसमें नहीं बन सकता अगर ये आग से दूर रखा हुआ है तो हाउ कैन द लाइट्स ऑफ योर पैलेस वार्म डेनू इज द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर। कितना अच्छा सवाल किया है बीरबल ने, बोला कि जब धेनू पानी में खड़ा था तो आपके पैलेस में जो लाइट जल रहा उस लाइट से कितना इतना दूर से कैसे वो पानी इतना जल्दी गर्म हो सकता है नदी का। ओके अकबर थिंक्स फॉर ए मिनट, थोड़ी देर सोचा एंड रियलाइज हिज मिस्टेक, और अपने मिस्टेक को रियलाइज किया कि सही बात मुझसे बहुत गलती हो गई। ही ऑल्सो रियलाइज दैट इट इज़ नॉट गुड टू फाइंड फ्लॉ इन अदर्स एफर्ट, उसने कहा कि सही बात है ये बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई। ही इमिडिएटली कॉल्स फॉर द वॉशरमैन, वह तुरंत वॉशरमैन को बुलाने के लिए बोलता है। द नेक्स्ट डे देनू कम्स विथ हिज फैमिली, नेक्स्ट डे क्या होता है देनू अपने फैमिली के साथ आता है एट अकबर्स कोर्ट, कहाँ आता है बेटा अकबर्स के कोर्ट में अकबर के दरबार में। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू द देनू, अकबर के हाथ में एक ट्रे है जो सिक्कों का भर सिक्कों से भरा ट्रे है सिक्का से बेटा टू द देनू, देनू को वो देता है। देनू एज वेल एज हिज फैमिली इज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत अपने परिवार के साथ उसको लेके बहुत खुश हो जाता है। पीपुल चीयर द क्लैप, लोग उसको चीयर करते हैं बका क्लैप करते हैं क्लैपिंग करते हैं। पीपुल अप्रिसिएट द जस्टिस डन टू देनू, लोग उसको अप्रिसिएट करते कि नहीं एम्परर ने बहुत अच्छा न्याय किया, उसको देनू को अवार्ड दिया उसको पुरस्कार दिया उसके लिए डिजर्व करता है, लोग उसको अच्छा कहने लगे। ओके बेटा अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेट स्टार्ट एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Who was Birbal? Birbal कौन था? Answer number वन, Birbal was a courtier in Akbar's palace. Question टू, What did the town carrier announce? क्या announce किया? Town carriers announced for a reward from emperor for anyone who stands in the cold water through all night. Okay? Question number C. What challenge did Akbar's give? Akbar challenged people to survive by standing in cold water through all night. Next, why did Danu's wife not want him to accept the challenge? Danu's wife did not want him to accept the challenge as she was scared for his life. Next, why did Akbar not reward Danu at first? Akbar did not reward Danu at first because he felt Danu cheated.
ओके नेक्स्ट व्हाट डिड बीरबल डू द मेक टू डू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक व्हाट डिड बीरबल डू टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक बीरबल वॉज कुकिंग फूड बाई फायर एट द ग्राउंड एंड कीपिंग द पॉट फॉर अबव इट इन ए बैलेंस्ड ट्रिप टू मेक अकबर रियलाइज हिज मिस्टेक ओके अंडरस्टूड स्टूडेंट यू लर्न एंड राइट इन योर कॉपी दिस इज योर होमवर्क ओके कॉपी में सुंदर सुंदर याद करके उसको सुंदर अच्छे से याद करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग भी लिखेंगे खूब अच्छे से याद करेंगे बेटा फर्स्ट पहले यू रीड द चैप्टर पहले चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे उसको समझेंगे फिर क्वेश्चन आंसर उसको देखेंगे उसको याद करेंगे करके कॉपी में अच्छे से लिखेंगे है ना ओके थैंक यू बाय बाय